हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेम की सब्जी। ये छोटी वाली सेम है, देसी वाली। इसकी आलू और सेम की सब्जी बनाएंगे। पहले मैं सेम को काट लूँगी। सेम को कुछ इस तरीके से काटना है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। सेम को आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। इसके बाद मैं आलू को काटूँगी। सेम को मैंने अच्छे पानी से वॉश कर लिया है। इसमें जाएगी लहसुन, 4 से 5 कली लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है। 2 से 3 आलू। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है गरम होने के लिए। सरसों का तेल जब तक हमारा गरम हो रहा है, हमारा गरम हो गया, इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसमें अब हम डालेंगे आलू, तो मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे सेम, जो हमने अच्छे से काट के वॉश करके रखी थी, उसको डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें हरी मिर्च भी ऐड करते हैं, टमाटर भी ऐड करते हैं। मिर्च को बिल्कुल हल्के मसाले में बना रही हूँ, इसमें प्याज भी नहीं डाल रही हूँ, इसलिए ये जो है थोड़ा सा सादा बनाएंगे। पराठा के साथ काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप इसमें लहसुन ज़रूर ऐड करिएगा, लहसुन से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लहसुन ऐड करने से लहसुन को स्किप मत करिएगा। नमक स्वाद के अनुसार इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको लो मीडियम आंच पे इसको हम रख देंगे ढक के पकने के लिए। इसको बीच बीच में हम चेक करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। सब्जी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, उसको चेक कर लेंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। आलू हो गया है हमारा, इस पर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे अभी। इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये ऑप्शनल है। और इसको थोड़ा सा तेज आंच पे इसको हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट, खुले में ही इसको अच्छे से भून लेंगे। मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में, जिससे हमारा आलू जो है लगे नहीं इसमें। ये पराठा रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। बस 1 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर हमारी डन हो गई है, ऑलमोस्ट डन है सब्जी, पकता था। इसके बाउल में हम निकालेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर हमारी रेडी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।